तो गाइज इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में जायंट रैप्टर और गॉडजिला के बीच में फाइट होने वाली है। बिकॉज गॉडजिला ने फ्रैंकलिन के घर को उठा के बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया था, इसीलिए फ्रैंकलिन एक रैप्टर को पालता है। तो देखो यार, आज पुलिस स्टेशन में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से साथ में ही सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी ना गाइज, टैंक वगैरह सबको यहाँ से हटा दिया गया है। इवन यहाँ पे जो पुलिस का हेलीकॉप्टर भी था ना, वो भी यहाँ से हट चुका है। और फ्रैंकलिन वहाँ पे घूम रहा होता है, तभी एक बहुत ही बड़ा गॉडजिला सिटी में एंट्री मार देता है गाइस। और पता नहीं गॉडजिला इतने गुस्से में क्यों था, और सीधा ही वो फ्रैंकलिन के घर के पास आता है और वो बहुत ही जोर से अपनी पूंछ से फ्रैंकलिन के घर को मारता है और घर जाके बीच के किनारे जमीन में धंस जाता है गाइस। अब फ्रैंकलिन क्या करेगा, क्या फ्रैंकलिन इस गॉडजिला को मार पाएगा, जो कि यार फ्रैंकलिन के साइज से ये 100 गुना ज्यादा बड़ा है, या फिर फ्रैंकलिन बैठ के तमाशा देखेगा, अरे यार भाई मेरा 100 करोड़ का घर यार इसने तो एक झटके में तबाह कर दिया, यार मैं तो इसका कुछ कर भी नहीं सकता यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर इसका एक पैर मेरे ऊपर पड़ गया ना भाई तो मेरा ये चटनी बना देगा, भाई इसने तो मेरी घर भी उड़ा दी यार, और ये देखो मेरी डिफेंडर भी गायब है। अबे भाई मैंने कितनी मेहनत से उसको परचेस किया था यार, इस गॉडजिला ने एक झटके में उसको उड़ा दिया भाई। और यहाँ के पुलिस वाले इतने ज्यादा डरपोक है ना गाइज, मेरी मदद मुझे खुद ही करनी पड़ती है यार भाई। वो देखो पानी के अंदर चला गया गॉडजिला, अब मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो यार सबसे पहले अपना घर फाइंड करते हैं, इसने कहाँ धंसा दिया यार मेरा घर। अरे मेरी डिफेंडर, ये देखो यार गाइज रैंप एरिया में मेरी डिफेंडर गिरी यार, इतने ज्यादा जोर से इसने पूंछ मारी है, इसको सीधा करने की ट्राई करता हूँ। ऑल राइट, अरे सीधी हो गई, अरे यार नीचे मत गिरना यार। तो चलो यार अपनी डिफेंडर सीधी हो चुकी है। अरे बाप रे बाप मेरा घर, अरे भाई ये तो पूरा जमीन के अंदर धंस चुका यार, ये देखो यार इसने इतनी जोर से पूंछ मारी है यार, मेरी डिफेंडर की ऐसी की तैसी कर दी इसने और मेरे घर की भी। मैं तो अपने घर के अंदर भी नहीं जा सकता गाइज, इतना ज्यादा धंस चुका है। नहीं यार मैं गॉडजिला से बदला तो जरूर लूंगा, मैं जिंदगी भर की कमाई ऐसे मिट्टी में नहीं जाने दूंगा। तो चलो जल्दी से एंट्री मारते हैं जुरासिक पार्क में। गाइज मैं जुरासिक पार्क में क्यों आया हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क में और यहाँ पे मैं फाइंड करने वाला हूँ डायनासोर का एक अंडा गाइज। अरे तो ये देखो गाइज, ये तो अंडा यहीं पे पड़ा हुआ है, तो जल्दी से एक अंडा यहाँ से चुरा लेते हैं, नहीं तो डायनासोर आ जाएगा, तो फटाफट से हम इसको चुरा लेते हैं गाइज। तो फ्रैंकलिन अंडा चुरा कर अपने घर पे चला जाता है, मतलब ओल्ड वाले घर पे, वहाँ पे अंडे को वो बहुत आराम से रखता है, वहाँ पे निकलता है एक छोटा सा बच्चा और वो बच्चा लगभग 6 महीने का हो चुका था। फ्रैंकलिन चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए ताकि वो गॉडजिला से अच्छी तरीके से फाइट कर ले। इस गॉडजिला के वजह से मेरा आज जमीन धंस चुका है, लेकिन गॉडजिला तू टेंशन मत ले, मेरा जो रैप्टर है ना ये तेरी वाट जरूर लगाएगा एक न एक दिन। भाई छोटे से रैप्टर के लिए ना खाना भी बहुत जरूरी है, तो चलो चलते हैं हम लोग खाना लाने। तो फ्रैंकलिन चला जाता है विलेज एरिया में चिकन लाने और यहाँ पे चिकन की दुकानें बंद। अरे यार आज तो चिकन की दुकानें बंद है। अरे अरे ये क्या है भाई, ये तो ईगल है, अरे ईगल थोड़ी खिला सकता हूँ रैप्टर को। नहीं यार, अरे अरे ये क्या है, अरे यहाँ पे तो चिकन है गाइज। तो गाइज हमको यहाँ पे मुर्गी मिल चुकी है और यहाँ से जल्दी से इसको चुरा के अपने रैप्टर को खिलाएंगे गाइज, और यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। और फ्रैंकलिन यहाँ पे अपने मुर्गियों को लेकर रैप्टर के पास आता है और रैप्टर एक मुर्गी को खत्म कर जाता है गाइज, और दूसरी मुर्गी को भी वो खाने वाला था, तभी फ्रैंकलिन उसको बताता रहता था कि भाई तुझे बड़ा होकर मेरे लिए एक बदला लेना है, तुझे उस घर के लिए बदला लेना था। तो फाइनली गाइज 2 साल बाद वो रैप्टर का बच्चा नहीं रहा, वो पूरा फुल्ली डेवलप हो चुका था और वो बदला लेने के लिए रेडी था गाइज। और ये फ्रैंकलिन की सारी बातें मानता और ये देखो गाइज साइज में कितना बड़ा दिख रहा है, इसलिए मैंने पाल पोसकर इसको इतना बड़ा किया। फ्रैंकलिन को ये कह रहा है अपने भाषा में कि मैं आज गॉडजिला को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो फटाफट से इसको गॉडजिला के पास ले चलते हैं। तो फ्रैंकलिन फटाफट से अपने रैप्टर को गॉडजिला को अपने घर वाले पास के ग्राउंड में लेकर आता है और गॉडजिला भी उसे देखकर पानी से भाग के बाहर आ जाता है। अब होने वाली है तबाही। अरे यार गाइज ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं सबसे पहले कौन फाइट करेगा। तो भाई गॉडजिला की सोच ऐसी है कि पता नहीं मेरे से बड़ा जानवर कौन आ चुका है इस सिटी के अंदर, भाई पता नहीं कौन सबसे पहले मारेगा। रैप्टर तू रेडी रहना भाई। अरे नहीं, अरे यार गॉडजिला ने पहला हमला कर दिया।
अरे उठ जा रैप्टर भाई, उठ जा जल्दी, तुझे बदला लेना ही होगा, उठ जा। और रैप्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में, गाइस लगता है बहुत खतरनाक। हम अरे भाई, ओ भाई, इसने पूंछ मारी और इसने गले में काट भी लिया। ओ भाई साहब, भाई गॉडजिला को इसने दो ही शॉट में खत्म कर दिया। मेरा रैप्टर तो बहुत ही खतरनाक निकला यार। तो रैप्टर के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, तो फटाफट से रैप्टर के लिए एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।